नमस्कार, मैं कनिका वेदी आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। क्योटो प्रोटोकॉल आज के दिन किया गया था लागू। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए लागू किया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। इसे जापान के शहर क्योटो में आयोजित सम्मेलन में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। वर्तमान में 192 देश इस प्रोटोकॉल में शामिल है। पाकिस्तान में आज के दिन हुए बम विस्फोट में मारे गए थे 84 लोग। दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान के हजारा क्षेत्र के बाजार में 16 फरवरी 2013 को हुए बम धमाके में 84 लोगों की मौत हो गई थी और 190 लोग घायल हुए थे। यह हमला शिया हजारा समूह के लोगों को निशाना बनाकर किया गया था। बम विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि वह 6 फुट गहरा और 20 फुट लंबा गड्ढा बन गया था और कई इमारतें ध्वस्त हो गई थी। बम व्यस्त बाजार में ट्रैक्टर ट्रॉली पर लदे पानी के टैंक में छुपाकर रखा गया था। इस हमले की जिम्मेदारी कथित रूप से इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकी समूह लश्कर ए जहांगवी ने ली थी। पेशवा थोरले माधवराव प्रथम का आज के दिन हुआ था जन्म। मराठा साम्राज्य के चौथे पुनर्धिकार प्राप्त पेशवा थोरले माधवराव प्रथम का शासनकाल 1761 से 1772 तक रहा। उनका जन्म 16 फरवरी 1745 को हुआ था। वे मराठा साम्राज्य के महानतम पेशवा के रूप में जाने जाते हैं। अल्पवयस्क होने के बावजूद उन्होंने मराठों की खोई हुई शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोबारा हासिल की। पेशवा थोरले माधवराव प्रथम ने न केवल उत्तम शासन प्रबंध स्थापित किया बल्कि योग्य सरदारों को एकजुट कर और नाना फडणवीस व महादजी शिंदे का सहयोग लेकर मराठा साम्राज्य को सर्वोच्च विस्तार तक पहुंचाया। फिल्म उद्योग के पितामह दादा साहेब फाल्के का आज के दिन हुआ था निधन। दादा साहेब फाल्के का नासिक में 16 फरवरी 1944 को 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उन्हें भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है। दादा साहेब फाल्के ने ईसा मसीह फिल्म देखने के दौरान निर्णय कर लिया था कि उनके जीवन का उद्देश्य फिल्मकार बनना है। फरवरी 1912 में वह फिल्म प्रोडक्शन में क्रैश कोर्स करने के लिए इंग्लैंड गए और वहां से वापस आकर देश की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उनके सम्मान में दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 16 फरवरी दिन मंगलवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है उत्साह। मेष, आपके उत्साह के लिए भाग्य 90%। उत्साह पराक्रम के चलते कार्यों में सिद्धि संभव होगी। नए मेहमान के आगमन से खुशियां भी आने वाली है। संतान को कष्ट हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग है। शुभ रंग लाल व सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला व काला। वृष, आपके उत्साह के लिए भाग्य 41%। हर्ष व उल्लास का वातावरण बना रहेगा। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। कारोबार में आशा के अनुरूप फायदा होगा। व्यवसायियों के लाभ में वृद्धि होगी। व्यर्थ की परेशानियों के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग नीला व सफेद। मिथुन, आपके उत्साह के लिए भाग्य 46%। धन अर्जित करने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। आय के साधन बढ़ेंगे। विदेश यात्रा के योग हैं। मानसिक तनाव कम होने के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग हरा। कर्क, आपके उत्साह के लिए भाग्य 59%। परीक्षार्थियों के लिए उपलब्धि का समय बना हुआ है। करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। किस्मत आपके साथ है। परिश्रम के अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग नारंगी व सफेद तथा निषेध रंग हरा व सिंदूरी। सिंह, आपके उत्साह के लिए भाग्य 75%। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आर्थिक मोर्चे पर धन की आवक धीमी रहेगी। खर्चे अधिक होंगे। स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें। विद्यार्थियों को अनुकूल संस्थान में प्रवेश प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग लाल व सिंदूरी तथा निषेध रंग जामनी व सिलेटी। कन्या, आपके उत्साह के लिए भाग्य 54%। सेहत का ध्यान रखें। जैसा आप चाहते हैं वैसे ही समय गुजरेगा। कार्य क्षमता के अनुपात में सफलता मिल सकती है। उत्साह बढ़ा चढ़ा रहेगा और उसे आगे निकलते नजर आएंगे। परीक्षार्थियों को अपेक्षित परिणाम प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग हल्का हरा तथा निषेध रंग सिंदूरी।
तुला आपके उत्साह के लिए भाग्य 45%। जीवन साथी द्वारा परिवार में नकारात्मकता फैल सकती है। मेहनत का सार्थक फल नहीं मिलने के कारण निराशा होगी। अनावश्यक वाद विवाद में ना पड़े, वाणी व आचरण पर संयम रखें। अपमान के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग सफेद। वृश्चिक, आपके उत्साह के लिए भाग्य 90%। किसी आनंद उत्सव में भाग लेने का मौका मिल सकता है। यात्रा मनोरंजक रहेगी। कानूनी अड़चने दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य संभव है। जीवन में कुछ कमी का अनुभव कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग सिंदूरी व लाल तथा निषेध रंग काला व नीला। धनु, आपके उत्साह के लिए भाग्य 77%। किसी पार्टी या समारोह में शामिल होने की संभावना है। परिवार में किसी समारोह का आयोजन किए जाने की संभावना है। इस पार्टी में आप आकर्षण का केंद्र बिंदु बन सकते हैं। शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। व्यर्थ की चिंता व तनाव होने के योग हैं। शुभ रंग पीला व सिंदूरी तथा निषेध रंग हरा व बैंगनी। मकर, आपके उत्साह के लिए भाग्य 54%। नौकरी पेशा जातकों के स्थानांतरण का योग है। स्वास्थ्य से संबंधित शिकायत भी हो सकती है। आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कार्यालय में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग आसमानी नारंगी तथा निषेध रंग मेहरून गुलाबी। कुंभ, आपके उत्साह के लिए भाग्य 55%। स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ हो सकती है। आप विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों को आकर्षित करेंगे। परिवार जन से संबंधों में भी मतभेद हो सकते हैं। कारोबार में लाभ के योग है। शुभ रंग स्टील ग्रे तथा निषेध रंग नारंगी। मीन, आपके उत्साह के लिए भाग्य 78%। घरेलू समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अचानक धन लाभ होने के योग है। पारिवारिक समस्याओं के कारण मन खिन्न हो सकता है। वाणी पर संयम रखें। अपमानित होने के योग हैं। शुभ रंग पीला लाल सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला जामुनी स्लेटी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय दोपहर 3:50 से 5:35 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983-706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।